एफएमडी भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। एफएमडी का मतलब भी वही होता है, मुंहपका खुरपका। लार राल खुरसड़ा रोकटे, ये मतलब उनके लक्षण के आधार पर ही नाम है। लार की बीमारी से मतलब ये समझ में आता है कि मुंह से लार गिरता है, जैसे कि गाय भैंस भेड़ बकरी और सुअर, ठीक है, इनके पैर दो भाग में बटे होते ना, तो इस वजह से ये इन्हीं जानवर को होता है, क्लोवन फुटेड जानवर को होने वाली बीमारी है ये। किसी जानवर को हो गया ये बीमारी तो उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो गई तो फिर उसको जो अन्य कुछ प्रभाव है वो लगने का डर रहता है। इससे एक नहीं कई तरह की मतलब इस बीमारी से कई तरह के दूसरी बीमारी पैदा हो सकती है। जैसे क्या हो सकता है, अगर जैसे देखा जाए तो कि जो गाभन जानवर है, अगर गाभन जानवर को ये बीमारी हुई तो उसको उसका एबॉर्शन हो सकता है, मतलब गर्भपात हो सकता है, बच्चा गिर सकता है। इसका कारण ये नहीं कि इस बीमारी के वायरस से आया है, लेकिन इस बीमारी से उससे रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो गई है, तो उसको थनैला रोग भी हो सकता है, उसको निमोनिया भी हो सकता है। गाँव के लोगों को समझाना है कि जो तुम्हारा बीमार जानवर है तो उसको घर पे ही बांध के रखे, उसको चरने के लिए जंगल ना ले जाए, क्योंकि वहाँ पे सभी जानवर चरने आते हैं। अगर एक भी बीमार जानवर वहाँ पे चर के गया है तो सभी जानवर में बीमारी फैला दे गए। इस रोग से बचने का एक ही तरीका है, केवल टीकाकरण। इसका टीकाकरण अपने को अक्टूबर नवंबर से शुरू कर देना रहता है, तो अक्टूबर नवंबर से शुरू करते हुए वहाँ मतलब अक्टूबर से शुरू करो और नवंबर में ख़त्म कर दो, ठीक है। तो इसका जब भी लाना ले जाना कहीं भी करो, टीके लगाने भी जाओ फील्ड में, तो उसको बर्फ़ में लेके जाना है। फिर क्या करना है कि मौसम भी तुम ऐसा मतलब टाइम भी ऐसा चुनो, सुबह शाम में टीका लगाओ, जो ठंडा पीरियड हो, सुबह ठंडा रहता है शाम को ठंडा रहता है, तो उस समय टीकाकरण करो। और टीकाकरण में भी ये ध्यान रखना है कि सभी जानवर को टीका लग जाए, मतलब अगर गाँव में कर रहे तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि गाँव में सारे जानवरों को टीके लग जाए, और गर्भवती जानवर को तो ये टीके नहीं लगते, इसलिए उसको हम छुड़ा देते हैं कि गाभिन जानवर को मत लगाओ।